कहते हैं दर्पण और रिश्ते ये बहुत ही नाजुक होते हैं। इन दोनों में बड़ा ही छोटा सा अंतर है। दर्पण गलती से टूट जाता है और रिश्ते गलत फहमी से टूट जाते हैं। रिश्तों को बनाना बहुत ही आसान है, रिश्तों को तोड़ना वो भी आसान है, लेकिन सबसे कठिन बात होती है रिश्तों को समझना। हम जो रिश्तों को नहीं समझ पाते हैं वहाँ पे गांठ बन जाती है। रिश्तों को समझना ये सभी के बस की बात नहीं है, पर ऐसा ही एक नाटक, ऐसा ही एक गुजराती नाटक आप देखिए रिश्तों की अहमियत और रिश्तों के मर्म के बारे में बात करता है। नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं mumbaithatergaide.com और आज हम चर्चा करने वाले हैं आप टिकट की टीम के साथ में, जो 8 साल पहले थिएटर में एक सुनहरा इतिहास रच चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं आप टिकट की टीम के साथ। नमस्कार, मेरा नाम रचना है और आप देख रहे हैं MTG और आज हमारे साथ में है हाफ टिकट के प्रोड्यूसर निमेश राजे, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कड़क न कड़क मराठी प्ले को हाफ टिकट में अडेप्ट, गुजराती प्ले हाफ टिकट में अडेप्ट करने के लिए। तो आज हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका MTG पे। नमस्कार। ये जो प्ले है हाफ टिकट, ये बना था ओरिजिनली, जो बना था ये वो बना था अपना मराठी में कड़क न कड़क। तो आपको क्या ये आइडिया है, आपने क्या विचार किया कि इसको, और अपनी इनिशिएटिव लिया कि इसको मैं गुजराती में भी अडेप्ट करूँ? ये प्ले शुरुआत में मैं मराठी में देखने गया था मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ, और जब मैंने मराठी में देखा तो मुझे इतना पसंद आया, हम लोग बहुत उसमें हंसे भी है, आंखों में पानी भी आ गया था, और बहुत बहुत परफॉर्मेंस से हम लोग इम्प्रेस है, और इतना पसंद आया कि हम जैसे ही नाटक मराठी खत्म हुआ हम लोग कलाकार को मिलने गए, उसके बीच की एक मिनट में हम लोग ने डिसाइड कर लिया था कि इसके हमें कोई भी तरीके से गुजराती में बनाना है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इतना अच्छा प्ले है, अगर मराठी में इतनी अच्छी कोशिश हुई है तो हमें ये प्ले गुजराती ऑडियंस के लिए लाना ही चाहिए। इसीलिए हमने फिर डिसाइड किया कि हमें ये गुजराती में करना है। फिर हमने कॉन्टेक्ट किया अनिल जी का, जो ओरिजिनल मराठी राइटर है, और तो उनका कॉन्टेक्ट किया और उनसे जो भी लीगलिटीज होती है वो कम्प्लीट करके गुजराती में शुरू कर दिया। और जब इसको अडेप्ट कर रहे थे तो इसका जो गुजराती वर्जन था, जैसे गुजरात मराठी ऑडियंस में ज्यादा धीर गंभीरता चल जाती है, लेकिन गुजराती में थोड़ा कमर्शियलाइज उसे करना पड़ता है, उसे हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ता है, टैलेंट भी ज्यादा लाना पड़ता है। तो वो इस हिसाब से हमने कोशिश की गुजराती ऑडियंस को जो चाहिए वो उसमें हम डाल सके, और नाटक की फ्लेवर जो नाटक का मेन पार्ट है उसे मिस ना हो, ऐसी कोशिश करके हमने गुजराती वर्जन रेडी किया। और इसके प्रमोशनल मटेरियल पोस्टर्स वगैरह पर भी हमें एक लाइन देखने मिल रही है जो है, रंगभूमि में सुनहरे दिवस में सुनहरो हमने जो जब पहले जो प्ले हुआ था आज से 8 से 9 साल पहले, तभी हम ऐसा कह सकते कि वो गुजरात में कहते हैं सोनेरी दिवस होता, इट वॉज गोल्डन डेज, क्योंकि हम लोग ने बहुत रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं इस प्ले के दरमियान। इस प्ले के तो 250 से ज्यादा शोज हुए और फास्टेस्ट शो हुए, 100 डेज में 100 शोज, 150 डेज में 150 शोज, ऐसे करते हुए शायद हमने 275 डेज में 250+ शोज किए। तो उससे हम एक हमारे हिस्ट्री हम इतिहास रच दिया था, इसी वजह से हम उसे सोनेरी दिवसों कहते हैं, मतलब गोल्डन डेज कहते हैं। वही गोल्डन डेज को हम वापस ला रहे हैं 8 से 9 साल के बाद, और फिर से ये नाटक इतिहास रचेगा, फिर से ये नाटक लोगों को इतना ही पसंद आएगा, और फिर से ये नाटक इतना ही अच्छी तरह हिट होगा, ये हमारी कोशिश है। इसलिए हमने लिखा है कि सोनेरी दिवसों में सोनेरी नाटक पर हिट हुआ। और ये हाफ टिकट रिश्तों के ऊपर, रिश्तों की अहमियत, रिश्तों के मर्म के ऊपर काफ़ी कुछ बात करता है, उस पर केंद्रित है। तो आप क्या इससे दर्शकों को क्या रिश्तों के बारे में जानने मिलेगा, क्या संदेश मिलेगा? रिश्तों की बात ऐसी है कि हम जब भी कोई भी हमारा फैमिली रिलेशन हो या मित्रता हो या कोई और रिलेशन हो, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग रिश्ते के बारे में सब डिसाइड करने लगते हैं, काफी टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है, और वो एक्चुअली सिर्फ हमारे तरफ से होती है।
हम जब सामने की तरफ से भी बात सुनते हैं या समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम जितना सोच रहे इतनी कड़वाश नहीं है। तो फिर वो पता चलने के बाद हम रिश्ते को वापस मीठा करने की कोशिश करते हैं। तो यही बात हम नाटक में दिखाना चाहते हैं कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से कहाँ बात ले जाती है, और फिर जब पता चलता है कि ये हमने जो सोचा था वो तो बात ही नहीं थी, तब पता चलता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की उस टाइम, सिर्फ हमारी तरफ से हमारा मन की सुन के। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का नजरिया भी बदल देगा, 100% बदल देगा। क्योंकि जब भी हम कुछ सोचते हैं किसी के बारे में, तब सामने की तरफ से क्या सोचा जाता है वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। और हाफ टिकट क्यों आपके लिए स्पेशल है, और हाफ टिकट में काफी मराठी कॉम्पिटिशन में भी जीता है। हाफ टिकट स्पेशल इसलिए क्योंकि बहुत अच्छा प्ले, डिफरेंट प्ले। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत प्लेस प्रोड्यूस किए हैं, लिखे हैं अच्छे अच्छे प्लेस, और 99% प्ले कॉमेडी के, जो कंप्लीट कॉमेडी के होते हैं। लेकिन ये प्ले एक ऐसा प्ले है जो कॉमेडी भी है, इमोशनल भी है, इसमें ड्रामा भी है, और लोगों को दिल को छू के जाता है। ये प्ले ऐसा था कि जब हमने 8 साल पहले 250 से ऊपर शो किए थे, एक भी शो नहीं था उसमें से जिसमें हमने स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिला। 100% शोज में हम स्टैंडिंग ओवेशन लेते थे, और इसीलिए हमारे लिए भी ये बहुत खास और अहम प्ले है। और ये मराठी कॉम्पिटिशन्स में भी काफी बहुत कॉम्पिटिशन्स जीती हुई है, और काफी मराठी कॉम्पिटिशन्स के बारे में मुझे तो पता नहीं है ज्यादा, लेकिन मैंने काफी टाइम न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ये प्ले ने ये वोट जीते, ये प्ले ने ये वोट जीते। और आप जैसे कहते हैं 400-500 प्ले के जो कॉम्पिटिशन होते उसमें भी नंबर 1 आया हुआ प्ले, इसीलिए। और प्ले देखने के बाद भी हमें लगा प्ले दिल को छूने वाला प्ले है, इसीलिए हमने सोचा कि प्ले तो गुजराती रंगभूमि पे आना ही चाहिए। धन्यवाद निमेश जी। तो ये भी हमारे साथ में निमेश जी जिन्होंने प्रोड्यूस किया था आप देखिए। थैंक यू।